वेलकम टू जीके करंट अफेयर फॉर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, आज जीके का टेस्ट है एंड जीके में भी एक टॉपिक है जो कि फुल फॉर्म यानी एब्रिएशन में से आपका 2 मार्क्स कम से कम आ सकता है नेवी एमर में एंड हर एक बार आता भी है आपके एग्जाम्स में। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स ये होता है कि आप लोग जो है एक लाइन में पढ़ के जाते हैं, आप लोग MCQ फॉर्म में नहीं करते हैं और वहाँ जाके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चारों ऑप्शन एक तरीका का रहता है, एक चीज़ डिफरेंट दे दिया रहता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को। मुझे भी पता है, मैंने भी जब पढ़ा था तो स्ट्रगल होता था, इसलिए मैं ये टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ सबका, क्योंकि यहाँ से मार्क्स पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मुझे चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका काम है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। एंड यहाँ डेली नेवी एमआर एसएसआर के लिए टेस्ट सुबह मॉर्निंग में 9 बजे होता है और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में क्या है, नाबार्ड का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो आप लोगों को ऑप्शन देख के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, पर इस क्वेश्चन को आपको मैंने कल 200 टॉप 200 PDF का फॉर्म पूरा दे दिया था, फुल फॉर्म कि आप वो पढ़ लीजिए, दिन आप आके टेस्ट दीजिए तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, जो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नाबार्ड है क्या, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का एक शीर्ष बैंक है नाबार्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इंटरपोल, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन या इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इंटरपोल से तात्पर्य क्या है। चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा तो इसका सही जवाब आपको बेसिकली देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटरनेशनल पुलिस, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, बेसिकली इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में है, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन यही बनाता है एंड इसके जो 194 देश है इसमें शामिल है। चलिए कुछ मैं इसके फैक्ट्स बताते जाऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है LED का पूर्ण रूप क्या है, LED का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, फिजिक्स से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डायोड। तो LED का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, तो LED का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। LED है क्या, LED फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। LED एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है जिसको बोला जाता है और प्रकाश का एक स्रोत है। LED क्या है, प्रकाश का स्रोत है। जब इसमें करंट आप देंगे, प्रवाहित करेंगे, तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। देन यह एक दो LED का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। LED बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और जैसे क्योंकि यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है LED लाइट, तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, SMS का फुल फॉर्म क्या है, स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होना चाहिए, SMS का जो फुल फॉर्म होगा वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होगा। इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पार्ट संदेश सेवा घटक है, आप लोग भी SMS सबको भेजते होंगे। यह छोटे पार्ट संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, बेसिकली ये मैसेज भेजने का काम में आता है, जैसे आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी SMS भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, VAT क्या है, VAT
वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडवांस टैक्स है, वैल्यू एंड टैक्स है या वैल्यू एडिशनल टैक्स है। तो वैट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए वैट का फुल फॉर्म। तो इसका देखिए, वैट का जो फुल फॉर्म है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। यानी आप लोग यदि कोई कपड़ा उपड़ा खरीदते थे उसमें एक अलग से टैक्स लगता था वैल्यू एडेड टैक्स। पर अभी अभी क्या आ गया, अभी GST आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अभी GST से ही काम चलता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस नहीं लगते, जो है GST है, GST पे ही सब चीज़ अब लगने लगा है। तो GST का फुल फॉर्म याद रखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है SARS। ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SARS को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है साउथ एशियन रिपब्लिक सोसाइटी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग फंसेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, SARS का SARS क्या है, SARS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, ये जीनोटिकल मूल का एक वायरस का श्वसन रोग है जो 2000 के दशक में कितने 2000 के दशक में प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण सामने आया था। किसके, कोरोना वायरस के कारण सामने आया था, जो SARS कोरोना वायरस प्रजातियों का पहला पहचान है, कोरोना वायरस का जो प्रजाति था उसका पहला पहचान इसी के रूप में किया गया था। और इसमें पहचाना गया था गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस इसको कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन SARS का याद रखिएगा, सीनियर एग्जीक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RBI, तो RBI का फुल फॉर्म क्या है, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो RBI का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बता दें। और ये भारत का जो क्या है, केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है, कोई स्टेट का बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक है। और सभी बैंकों का संचालक RBI करता है और अर्थव्यवस्था को जो नियंत्रित करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है वो RBI ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है DOS। DOS का फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, DOS का जो फुल फॉर्म है यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन इसका सी होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है, किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही है, ATP का पूर्ण विस्तार सही कौन सा है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोन ट्राइटेट्राफॉस्फेट या कोई भी कल सही नहीं है। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, तो ATP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो हो जाएगा एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन है, क्या है, कार्बनिक रसायन है, जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जीवित कोशिका में कई प्रक्रियाओं को मतलब कोई प्रोसेस को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उसका उदाहरण कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तांत्रिक आवेग प्रकाश, मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो ATP के विस्तार से होता है, रासायनिक संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, DVD का फुल फॉर्म, DVD का फुल फॉर्म तो आप लोगों को आता होगा, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो DVD का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वो है आप लोगों का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बारे में कुछ जानते हैं, यह डिस्क के रूप में काम करता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल रूप में कवर करता है। यह ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। 1995 ईस्वी में पहली बार याद रखिएगा सोनी और पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा यह विकसित किया गया था। DVD सोनी पैनासोनिक सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उपयोग क्या है, आपको पता है, वीडियो और डेटा का भंडारण करना है, मतलब स्टोरेज करना है।
डीवीडी का आकार क्या है? सीडी के समान ही होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन यह 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करता है। सीडी से 6 गुना ज़्यादा इसमें मेमोरी स्टोर हो सकती है, किसमें? डीवीडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WLL का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लूप लाइन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? WLL का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। इस यह जो है दूर संचार ग्राहकों को साधारण पुराने टेलीफोन सेवा जो था जिसको पॉड्स या इंटरनेट एक्सेस ब्रॉडबैंड जैसे होता है देने के लिए अंतिम मील पहली मील कनेक्शन के रूप में एक वायरलेस संचारण के लिंक का उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए जो आपका ब्रॉडबैंड लगा होता है नेट के लिए उसका जो विद इन उसी का एक रूप है ये, मतलब उसी को बोला जाता है। जैसे वो जो संचार आप घर में करते हैं वायरलेस का उसी को बोला जाता है क्या? वायरलेस इन लोकल लूप। विभिन्न प्रकार के WLL सिस्टम और प्रौद्योगिक मौजूद है अभी मार्केट में। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पहला ऑप्शन, दूसरा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या तीसरा ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपरेंट इंडिया, या चौथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टर्निंग इंडिया। तो नीति आयोग का क्या है फुल फॉर्म? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पहला ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य ज्ञान नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था याद रखिएगा? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है ये, और इसकी अभी चलिए और इसका जो मुख्य होता है वो अब हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट है IRF का फुल फॉर्म आपको बताना है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी या इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? IRA का फुल फॉर्म। तो IRA का फुल फॉर्म होगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 20वीं और 21वीं सदी में आयरलैंड में विभिन्न अर्धसैनिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संगठन को अंतरिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो में SW का अर्थ क्या है? शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, स्लो वेव या साउंड वेव। तो SW का अर्थ क्या है? SW का अर्थ जो है शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रेडियो ट्रांसमिशन है। उपयोग जो होता है रेडियो ट्रांसमिशन में होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा शॉर्ट वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PAN से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर या फिर पेटेंट एलोकेशन नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, पैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पैन कार्ड आप लोग तो यूज़ करते होंगे तो आपको तो पता होना चाहिए पैन का फुल फॉर्म। पैन जो होता है वो क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर को पैन बोला जाता है। चलिए और इसके बारे में कुछ जान सकते हैं, क्या जानना चाहिएगा? पैन स्थायी खाता संख्या के लिए है। यह एक कार्ड है जिसमें भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी अति द्वितीय 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संयोजक है। यह कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 ईस्वी की धारा 139A के तहत जारी किया जाता है। इतना आपको जानने का जरूरत नहीं है, जो नॉलेज था नॉलेज दे देना सही है। रेडियो संचारण में FM से क्या आशय है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंट है ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, फर्मी मेथड या फैन मॉड्यूलेशन। तो FM जो से तात्पर्य क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो FM से है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
यह तरंगों को जो प्रसारित करने की विधि है, प्रसारित करने की एक विधि है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है, यानी इसका संक्षिप्त नाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CNN से तात्पर्य क्या है? केबल न्यूज नेटवर्क, कंप्लीट न्यूज, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो CNN से क्या तात्पर्य है? तो CNN एक, पहला ऑप्शन है केबल न्यूज नेटवर्क। केबल न्यूज नेटवर्क एक अमेरिका के बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न न्यूज चैनल है। कहाँ का? अमेरिका का बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न न्यूज चैनल है जिसका स्वामित्व टर्नल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टाइम वार्नर के एक प्रभाग के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है STD। तो इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होना चाहिए। STD का फुल फॉर्म बताना है स्टेट टेलीफोन डायलिंग स्टैंडाई टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, एक टेलीफोन प्रणाली है जो सब्सक्राइबर को बिना ऑपरेटर सहायता से ट्रंक कॉल डायल करने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CNG से आशाएं हैं। CNG का आपको बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेंस नाइट्रोजन गैस, है कंट्रोल नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है? यह हुआ पहला ऑप्शन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दाब के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं क्या? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दाब के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग से भी दबाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BIFR से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहैबिलिटाइजेशन, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब आप लोगों का क्या होगा? चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी जान लीजिए। भारत सरकार की एक एजेंसी थी जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का हिस्सा थी, उसी को बोला जाता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WTO का फुल फॉर्म बताना है। वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनाइजम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेलीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो WTO का फुल फॉर्म है वो क्या है? बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक संगठन है जो कि उनके मध्य के अनेक व्यापारिक गतिविधियों को विदेश मतलब देशों के जो विभिन्न देशों है उनके व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने न केवल मदद करता है बल्कि व्यापारिक कार्यक्रम के संदर्भ में अनेक गतिविधियों को अंजाम देता है। और इसका मुख्यालय WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NHDL का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो NHDL का फुल फॉर्म आपको बेसिकली बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको बोला था कि टॉप 200 फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। देखिए अभी आपको कितना कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोगों में से पता नहीं कोई 20-22 कर पाएगा या नहीं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो इसका सही जवाब होगा।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभूतियां भंडार समिति कहते हैं। यह एक भारतीय सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर जैसे निवेशकों की सिक्योरिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपेक का अर्थ है, तो ये मैंने कराया है नॉर्मल जीके सेशन में भी, तो आपको पता होगा। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन या ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो ओपेक का सही जवाब क्या होगा, फुल फॉर्म आपसे बेसिकली पूछने चाह रहा है। तो चलिए इसके बाद में बताते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सही है, सही है क्या? हाँ एकदम बिल्कुल सही है। इसका जो ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको इतना पता है ओपेक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, किंतु 1 सितंबर 1965 को, याद रखिएगा 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको तो पता होगा ये इसरो का किसका संक्षिप्त रूप था, यानी फुल फॉर्म आपको बेसिकली बताना है। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, चलिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। यह एजेंसी का मकसद है राष्ट्रीय विकास खातिर अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के सदुपयोग करना, अंतरिक्ष विज्ञान में रिसर्च, ग्रह उपग्रह सब पर खोज के काम करने के लिए इसका मेन ये है। और ये कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, इसका जो के मुख्यालय है बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, देन अपना मार्क्स कमेंट में बताइएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग पूरा चौक भौचक्का हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में और ऐसा ऑप्शन आएगा, इसलिए मैंने आपको टॉप 200 फुल फॉर्म कल ग्रुप में दिया था कि पढ़ के आए तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्राइब, तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए इसके बारे में जो बताना है, 2000 इसका जो हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, अधिनियम से 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना की गई है। तो आज का ये टेस्ट यहीं पर ही समाप्त होता है, तो आपको अपना स्कोर बताना है 25 में आप कितने मार्क्स आपको मिला है, एंड आपको यह सेशन कैसा लगा। इस सेशन में मैंने आपको फुल फॉर्म के साथ साथ उस फुल फॉर्म के ऊपर जो भी क्वेश्चन और बन सकते थे उसे मैंने कवर किया है। वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आपको यहाँ से काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा, ना कि फुल फॉर्म का, उससे रिलेटेड भी बाकी सब चीज़ का आपको नॉलेज दे दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, फिर इसका टेस्ट मैं ज़रूर लाऊंगा। ऐसे मुझे 100 क्वेश्चन करवाना है, पर मुझे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके बारे में भी बताना है, इसलिए मैं एक वीडियो में सारे नहीं करा सकता। ये आप टेस्ट दीजिए कम से कम।